अरे भाई जोर से बोलिए जरा मेरे साथ, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार राय जी, झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्रीमान रामलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री और जिन्होंने सालों से झारखंड के संगठन के लिए पसीना बहाया है, ऐसे श्रीमान सौदान सिंह जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री त्रिवेंद्र रावत जी, श्री सुदर्शन भगत जी, झारखंड के संगठन को हमेशा ऊर्जा दे रहे हमारे श्री राजेंद्र सिंह जी, उपस्थित सभी सांसदगण, राज्य सरकार के मंत्री और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अति प्रिय ऐसे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज इस कार्यकर्ता समागम में जब मैं आया हूं तब मुझे याद है कि झारखंड के चुनाव के पहले भी मैं इस तरह के कार्यकर्ता समागम के अंदर आया था और उस वक्त झारखंड के कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया था कि झारखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ता बनाएंगे। मैं आज झारखंड की जनता का और झारखंड के कार्यकर्ताओं का इस मंच पर से हृदय से आभार मानना चाहता हूं कि झारखंड की जनता ने 14 में से 12 सीटें लोकसभा की तो दे ही थी, साथ ही साथ पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देकर झारखंड के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। मित्रों, आज देश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और झारखंड में भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साथ साथ देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। मित्रों, मैं इसलिए देश भर के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनकर लोगों के सामने उभरा है। मित्रों, देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। एक जमाना था जब राजनीतिक पार्श्वभूमि के सिवा कोई देश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था, राज्य का कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आज देश के अंदर एक चाय बेचने वाले व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनकर देश की बागडोर संभाले हुए हैं और झारखंड के अंदर मजदूरी करते करते अपना राजनीतिक करियर बनाने वाला एक सामान्य घर में जन्मा हुआ बालक आज झारखंड का मुख्यमंत्री बना है, वो भारतीय जनता पार्टी ने। देश की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वो ही बताता है कि देश के अंदर लोकतंत्र की नींव कितनी गहरी है। मित्रों, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले यूपीए की सरकार ने 10 साल तक जिस तरह से काम किया था, पूरे देश के अंदर एक निराशा की गर्त में देश डूबा हुआ, देश का युवा आशंकित था, देश का भविष्य क्या है, देश के अंदर कोई नई शुरुआत नहीं होती थी, चारों ओर निराशा का माहौल था और उस वक्त देश की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को पूर्ण बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मौका दिया। जब हमने सरकार बनाई तब हमने कहा था कि सरकार आम आदमी की सरकार होगी, ये सरकार गांव गरीब किसान के लिए काम करने वाली सरकार होगी और जब आज 10 महीने का समय इस सरकार पूरा कर चुकी है और पीछे मुड़कर देखते हैं कि 10 महीने में क्या हुआ,
तो दिखाई पड़ता है, ढेर सारी योजनाएं इस सरकार ने शुरू की है। सबसे पहले आजादी के 68 साल के बाद भी इस देश के 60% लोगों के पास एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम जन जन योजना लाएंगे और परिवार में कम से कम एक बैंक अकाउंट खुले इसकी व्यवस्था करेंगे। ये तो मुझे कहते हुए आनंद है कि 10 महीने के बाद आज देश में 13 करोड़ गरीबों के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। 13 करोड़ लोगों के घर में आजादी के फायदा पहुंचाने का, विकास का फायदा पहुंचाने का काम ये पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। एक रास्ता खोला है, वो भी देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ जाए, वो भी अपने घर में विकास के फायदे को पहुंचा पाए, इसलिए एक नया मार्ग खोला है। मित्रों, और वहां से नहीं हटे, जिन्होंने भी जनधन अकाउंट के बैंक अकाउंट खुलाए हैं वो सभी को सालाना सिर्फ 12 रुपयों में 2,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मित्रों, 330 रुपये में 2,00,000 रुपए का जीवन बीमा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। मेक इन इंडिया की योजना लाकर दुनिया भर के उत्पादन करने वाली कंपनियों को भारत में निमंत्रित किया। जो भारत की जरूरत की चीजें थी, जो बाहर से आती थी, वो यहीं पर बनेगी। रक्षा के लिए जरूरी साजो सामान भी यहीं पर बनेगा। और ये शुरुआत करने के कारण आज देश भर में जो युवा बेकार घूमता था उनके लिए रोजगारी के द्वार खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, अभी पूरे देश के बहुत बड़े हिस्सों में बारिश हुई और ओले भी हुए, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होने के स्तर पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तुरंत एक फैसला किया कि पहले जब 50% नुकसान होता था तब किसानों को मुआवजा दिया जाता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि 33% नुकसान होगा तो भी किसान को मुआवजा दिया जाएगा और मुआवजे की राशि भी 50% बढ़ा दी। मित्रों, इस सरकार ने एक के बाद एक काम इस तरह के किए कि विकास की लाइन में अंतिम खड़ा हुआ आदमी अपने पैर पर खड़ा हो सका। पेंशन योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों तक सीमित थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेंशन योजना को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आज इस योजना के तहत किसान, मजदूर, खुदरा व्यापारी भी अपने पिछले जीवन में पेंशन का फायदा ले सकता है। मित्रों, मुद्रा बैंक के माध्यम से 10,000 रुपए से 10,00,000 तक का बैंक का फाइनेंस करने की योजना बनाई है। एक छोटा सा ठेला चलाने वाला आदमी जिसको 5,000 रुपए का लोन चाहिए, इसके लिए बैंक के दरवाजे बंद। गांव में नाई की दुकान खोलनी है तो उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद थे। किसी को पैदल रिक्शा लानी है तो उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 20 करोड़ दरिद्र नारायणों के लिए बैंक के दरवाजे खोलकर मुद्रा योजना के माध्यम से 20 करोड़ का प्राथमिक प्रावधान किया है। तो इस सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना लाई और उसके माध्यम से कन्या को भी सुरक्षित करने का प्रयास किया है। आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत, नमामि गंगे योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ है। और हम चुनाव में जब गए थे तो हमने बात की थी कि इस काले धन पर हम रोक लगाएंगे। और सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट में पहला प्रस्ताव पारित किया कि काले धन के खिलाफ जांच के लिए हम SIT का गठन करेंगे और जितनी
सारी सूचनाएं वर्षों से भारत सरकार के पास लंबित पड़ी थी, उस सभी सूचनाओं को एसआईटी के साथ साझा करने का काम इस सरकार ने किया है। और इस बजट सेशन के अंदर भारत सरकार एक कानून लेकर आई कि जिन्होंने भी विदेश में काला धन छुपाया है या जिन्होंने भी विदेश में संपत्ति रखी है और भारत सरकार को सूचना नहीं दी है, वो सभी को भारी वित्तीय दंड तो बनना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ 10 साल तक की सजा का प्रावधान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, मैं मानता हूं कि ये कदम कितना काला धन लाएगा वो तो समय सिद्ध करेगा। मुझे भरोसा है कि काला धन जो विदेश में पड़ा है वो जरूर पाछा वापिस आएगा, मगर इस कानून ने काले धन को विदेश में जाने का रास्ता तो जरूर बंद कर दिया। और वही सरकार कर सकती है जो पारदर्शी सरकार है, जो भ्रष्टाचार में नहीं है। मित्रों, नरेंद्र भाई की सरकार जब बनी उसके पहले इस देश के अंदर बहुत चर्चाएं चली थी कि कोयले की खदानों में आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ, स्पेक्ट्रम की नीलामी में भ्रष्टाचार हुआ, मगर कांग्रेस के मित्र कहते थे कि ये तो काल्पनिक बातें थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोयले की और खनिज की खदानों की नीलामी का कानून करकर सिर्फ 220 में से सिर्फ 20 खानों का नीलामी किया है और 2,00,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तिजोरी में जमा हुआ है, जो कांग्रेस के समय में कॉर्पोरेट हाउस में हुआ। मित्रों, आज मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से कांग्रेस के मित्रों, आप कहते थे कि काल्पनिक बातें हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार के आंकड़े जो उस वक्त चुनाव के माहौल में हवा में घूमते थे उससे भी कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार आपने किया है। और स्पेक्ट्रम की नीलामी में भी 1,00,000 करोड़ से ज्यादा राशि आज भारत सरकार की पास आ गई और वो भी पहले नहीं आया। मित्रों, इतना ही नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी श्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती थी तब हमने तय किया था, मोदी जी ने कहा था कि भारत का पश्चिम छोर ठीक से विकसित होगा मगर पूर्व छोर के राज्यों के अंदर विकास अभी पहुंचना बाकी, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो और पूर्वोत्तर के राज्य हो, वहां विकास नहीं पहुंचा। भारत माता की दोनों पूजाओं के बीच में एक संतुलन विकास होना चाहिए और इसीलिए ये नरेंद्र भाई के नेतृत्व की सरकार ने निर्णय किया है कि खदानों की नीलामी से, कोयले की नीलामी से जो कुछ भी पैसा आएगा वो पूरा पूरे के पूरा पूर्व के राज्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों को दे दिया जाएगा। और मुझे कहते हुए आनंद है मित्रों, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी अगर कोई होने वाला है तो अपना ये झारखंड राज्य सबसे बड़ा उसका फायदा पाने वाला है। इस योजना के तहत झारखंड के बच्चों की पढ़ाइयों के लिए, झारखंड के किसान के खेत में पानी पहुंचाने के लिए, रोड और बिजली पहुंचाने के लिए 1,000,000,000,000 रुपया झारखंड सरकार को मिलने वाला है। यही सरकार है जो कहती है वो करती है, जो पूरे देश दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, झारखंड की सरकार को विश्वासी नहीं है मगर मैं इतना निश्चित कह सकता हूं, झारखंड की जनता को भरोसे से कह सकता हूं कि 5 साल समाप्त होने तक इस सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगेगा, इसका विश्वास झारखंड की जनता रखे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकती। रघुवर जी के नेतृत्व में 94,000 हेक्टेयर भूमि को इरिगेशन का पानी देने की शुरुआत हुई, नई राजधानी बनाने की पहल भी की गई है, मोनोरेल की भी शुरुआत की है, 13 पॉलीटेक्निक की भी शुरुआत की है, 3 नई मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भी शुरुआत की है, 108 की एम्बुलेंस सेवाएं भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की है।
कैंसर का हॉस्पिटल और ट्राइबल एरिया में सिकल सेल के लिए जो नई शुरुआत की है, मैं मानता हूं कि 100 दिनों में ये सारी जो शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में झारखंड को विकास के रास्ते पे ले जाएगी। मित्रों, देश का जो राजनीतिक माहौल है उसमें विपक्ष का दिशा नहीं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गत आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉरपोरेट घरानों के लिए काम करती है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों को कि जो पार्टी की सरकार कोयले की नीलामी कर 2,00,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में कॉरपोरेट घरानों से लाए, वो सरकार कॉरपोरेट की मित्र है या दर्डा और जिंदल को एक भी पैसा लिए बगैर कोयले की खदान में दे दे, वो सरकार कॉरपोरेट घरानों की मित्र है। कांग्रेस ने अब देश को जवाब देना है कि कोयले और स्पेक्ट्रम की नीलामी में किसने कॉरपोरेट घरानों पर पक्ष लिया, किसने भ्रष्टाचार किया। मित्रों, ये कांग्रेस की सरकार थी जिसके समय में एक भी पैसा लिए बगैर स्पेक्ट्रम की नीलामी हो गई, कोयले की खदानों की नीलामी हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको नई दिशा देने का ट्राई किया। मित्रों, भूमि अधिग्रहण बिल के लिए भी सवाल उठाए जाते हैं। मैं आज एक कार्यकर्ता समागम में सभी कार्यकर्ता को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सर नीचे डालना पड़े। सीना तान कर लोगों के बीच में चाहिए, भूमि अधिग्रहण बिल के लिए भी चाहिए। ये भूमि अधिग्रहण बिल में 1 इंच भी जमीन कॉरपोरेट घरानों को देने के लिए कोई जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं छोड़ी। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देना है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि हमें कौन सवाल पूछा, भूमि अधिग्रहण पर किसानों का हितैषी होकर कौन सवाल पूछा, कांग्रेस पार्टी पूछेंगे? जिनके परिवार के दामाद ने हजारों हेक्टर किसानों की भूमि चाऊ कर दी, उनको किसानों के लिए एक शब्द भी बोलने का अधिकार नहीं। पहले कांग्रेस पार्टी अपने गृहबार में जांच कर देखे, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर किसानों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीना तान कर किसानों के बीच में जाए, गांव में जाए कि भूमि अधिग्रहण भी आने वाले दिनों में गांव में विकास पहुंचाने वाला बिल होने वाला है, किसान को समृद्ध करने वाला बिल होने वाला है। और जो जिनके पास भूमि नहीं है ऐसे सभी मजदूरों के लिए रोजगारी देने वाला बिल होने वाला है। मित्रों, किसान के खेत में अगर पानी पहुंचेगा तो ही फसल बढ़ेगी, बिजली पहुंचेगी तो ही फसल बढ़ेगी, गांव में अस्पताल होगा तो ही स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेगी, गांव के अंदर शालाएं बनेगी तो ही बच्चे पढ़ेंगे। और इस सब काम के लिए एक भूमि अधिग्रहण बिल को लाया। अगर कांग्रेस का काम है जनता को गुमराह करना, मगर मुझे मालूम है देश की जनता कांग्रेस को जानती है। देश की संसद में कांग्रेस को 44 सीटें दी, उसके बाद में महाराष्ट्र के चुनाव हुए, झारखंड के हुए, हरियाणा के हुए, कश्मीर के हुए, सब जगह कांग्रेस 4 नंबर पर पहुंच गई और दिल्ली में 0 नंबर पर पहुंच गई। देश की जनता के मन में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई जगह नहीं। अभी अभी बिहार के चुनाव आने वाले हैं और जनता परिवार इकट्ठा होने की बात कर रहा है। मित्रों, ये जनता परिवार में एक ऐसा परिवार बनने जा रहा है जिसमें से जनता निकल गई है, सिर्फ परिवार बच गया है, जनता बाहर निकल गई है। आप मुझे बताइए, 0 के साथ 0 का योग करेंगे तो कोई अंक बनेगा क्या? बनेगा क्या? जनता परिवार एक होने के साथ बिहार में कुछ नहीं कर सकता। बिहार की जनता राह देखती है
कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां सरकार बने और बिहार को जंगल राज से मुक्त कराए। मैं आज देश भर के कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से परिश्रम कर आप लोगों ने सदस्यता अभियान में काम किया है, उसी तरह से पार्टी को जिस तरह से सदस्य बनाकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, उसी तरह से आप संपर्क अभियान में भी घर घर निकलिए, पार्टी की बात लोगों तक पहुंचाइए, पार्टी की बात किसानों तक, गांव तक, गरीब तक पहुंचाइए, पार्टी का संदेश दीजिए, सरकार के कामों को लेकर जाइए, माहौल अपने आप बदल जाएगा। मित्रों, क्रांति फैलाने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। क्रांति तो तब फैलती है जब भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ नहीं पहुंचे। 10 करोड़ सदस्यों का भारतीय जनता पार्टी का परिवार लोगों का सीधा संपर्क करे, सत्य बात लेकर लोगों के पास जाए और जनमानस में जो क्रांति खड़ी करने का प्रयास हो रहा है उसको बदलने का काम करे। मित्रों, आने वाले दिनों में संपर्क अभियान और पार्टी का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आने वाला है और इसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्थापक सदस्य और जिन्होंने एकात्म मानववाद की रचना की पंडित दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी भी आने वाला है। इस जन्म शताब्दी के मौके पर दीनदयाल जी के दो सूत्र अंत्योदय और चरैवेति को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आत्मसात करता चले। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आह्वान किया है कि आज भी देश के आजादी के 68 साल के बाद देश के अंदर 23,60,000 ऐसे शौचालय है जहां किसी व्यक्ति ने सर पर मैला उठाने का कलंकित काम करना पड़ता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दीनदयाल जन्म शताब्दी के साल में दिसंबर 2016 तक देश भर में 23,60,000 शौचालयों का नूतन निर्माण कर हमारे वो सभी सफाई कर्मियों को एक कलंकित जीवन से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और मैं आह्वान करता हूं झारखंड के कार्यकर्ताओं का भी, ये दो जो प्रोग्राम दिए हैं, एक सर पे मैला धोने की कलंकित प्रक्रिया जो है, प्रथा है, उसको निर्मूल करना, और दूसरा गांव गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर पहुंचना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किनारे को लेकर लोगों के बीच में जाए, एक कार्यक्रम को लेकर लोगों के बीच में जाए और इस संपर्क अभियान में संपर्क करकर सारी भ्रांतियों का निरसन करें। मित्रों, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में दुनिया का देश को देखने का नजरिया बदला है। आज पूरी दुनिया मानती है कि दुनिया का नेतृत्व करने वाले जो 2-3-4 देश है उसमें भारत का स्थान सुनिश्चित हो गया है और आने वाले दिनों में एक भारतीय जनता पार्टी का 10 करोड़ सदस्यों का विशाल परिवार एक साथ पुरुषार्थ करकर जिनकी सरकार में जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उठाए, जिनकी संगठन की जिम्मेदारी है वो संगठन का विस्तार करे और सरकार का समर्थन करे। ये दोनों इकट्ठा होकर आने वाले दिनों में भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने में हम सभी एकत्रित होकर सफल बने, यही आप लोगों के पास से भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा है। दीनदयाल जन्म शताब्दी का वर्ष आने वाले सालों में और 50 साल के लिए, 50 साल के हमारा ये जो कालखंड है 1950 से 2014 का, वो कालखंड समाप्त करकर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी आने वाले 50 साल तक इस देश के अंदर राजनीति को नई दिशा दिखाने का काम करे, यही कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है। आज आप लोग इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ उपस्थित हुए और सर्वविशेष हमने जो लक्ष्यांक दिया था आपको सदस्यता का, उसको झारखंड के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम कर पूर्ण किया है, इसलिए मैं इस मंच पर से फिर से एक बार झारखंड के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं और सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की, जरा जोर से बोलिए, भारत।
माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।